नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेगा पावर स्टार रामचरण के अपकमिंग फिल्म विनय विधेया रामा के बारे में, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्टर है बोयापाति श्रीनु। दोस्तों, इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है डीवीवी दयन्ना एंटरटेनमेंट। बता दें दोस्तों कि इस फिल्म में रामचरण के साथ नजर आने वाली है कायरा आडवाणी और विवेक ओबेरॉय। दोस्तों, ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है 11 जनवरी 2019 को। आपको बता दें दोस्तों कि इस फिल्म का बजट है तकरीबन 80 करोड़ रुपए का और इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में तकरीबन 850 स्क्रीन्स पर लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तेलुगु रीजनल फिल्म है जिसे तेलुगु स्टेट में लगाया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि इस फिल्म का क्लैश होने वाला है भारत के सबसे पहले सुपरस्टार एनटीआर की बायोपिक फिल्म से। वहीं इस फिल्म को काफ़ी कम स्क्रीन्स मिल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, तो ये फिल्म अपने पहले दिन काफ़ी अच्छी कमाई करती दिख रही है। दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर को तो काफ़ी अच्छा पसंद किया गया और इस फिल्म के ट्रेलर के रेस्पॉन्स को देखते हुए ये फिल्म काफ़ी अच्छी कमाई कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल की हाइएस्ट ग्रोसर तेलुगु फिल्म थी रंगस्थलम, जिसमें आपको नजर आया था रामचरण। जी हाँ दोस्तों, इस साल भी उनकी ये फिल्म आ रही है जो मास फिल्म है और ये फिल्म काफ़ी अच्छी कमाई करने वाली है। अगर बात करें इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि तेलुगु स्टेट्स में पहले दिन तो काफ़ी अच्छी कमाई होती है, उसके बाद ही इन फिल्मों की जो कमाई रहती है वो कम होती जाती है। अगर बात करें इस फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शंस के बारे में, तो अगर इस फिल्म को रिव्यूज़ अच्छे आते हैं और अगर ऑडियंस इस फिल्म को पसंद करती है, तो ये फिल्म भी 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रामचरण की ये फिल्म पहले दिन 25 से 30 करोड़ की कमाई कर पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।